जानी है तो मुझे लगता नहीं कि भाई इसके अंदर 12 से 15 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लगेगा। देखो मैं सिर्फ रेस में पैर रख रहा हूँ और ये देखो, और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ चलती है, ये देखो रुकती भी है भाई, ये रुकती भी है। यार बहुत प्राउड होता है कि हमारी इंडिया के अंदर ऐसी गाड़ियाँ बन रही है, और उसके बाद भी हम बाकी स्कॉडा और बाकी कंपनियों भी जा रहे हैं जो बाहर की मैन्युफैक्चरर्स गाड़ियाँ इंडिया में बना रहे हैं। हमें अपनी कंपनीज को खुद मोटिवेट करना होगा। आज की डेट में टाटा, महिंद्रा, मारुति बहुत बहुत अच्छी गाड़ियाँ बना रहे हैं यार, और आई एम वेरी हैप्पी इस गाड़ी को लेने के बाद। हाँ मैं थोड़ा सा सर्विस से डिसअपॉइंट ज़रूर हूँ, बट गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी गाड़ी 2600 किलोमीटर चल चुकी है, अभी 1.5 महीना हुआ है, और गाड़ी का जो रिस्पॉन्स है सुपर्ब है। मतलब अगर आपको गाड़ी में थोड़ा सा फ़न करने का मज़ा आता ना, तो आप गाड़ी ज़रूर ले लो ये वाली, क्योंकि ये 13 लाख के बजट के अंदर आपको W8 मॉडल मिल जाएगा, और सेफ्टी फीचर्स के साथ पूरी गाड़ी लोडेड है, और इस सेगमेंट की पहली गाड़ी है जो आपको चारों के चारों डिस्क ब्रेक देती है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ भागेगी, ये गाड़ी रुकेगी भी भाई। तो ट्रस्ट मी, ये गाड़ी आप ज़रूर लो, और कंसीडर ज़रूर करना आप जब भी गाड़ी लेने के लिए सोचते हो, क्योंकि ये गाड़ी ही बेस्ट है। और गाड़ी का नाम है XUV300। आपका बजट अगर थोड़ा सा भी कम है, या आप XUV500 तक नहीं जा सकते, या किसी और टाटा सफारी या हैरियर के लिए नहीं जा सकते, तो मुझे हैरियर बहुत पसंद है, बट मेरा बजट उतना अलाउ नहीं कर रहा था, तो इसलिए ये 13 लाख के बजट के अंदर मुझे XUV300 W8 मॉडल मिल गया है। और मैंने डीजल लिया है, एवरेज की बात करूँ तो एवरेज आती है 20 किलोमीटर के आसपास, और मेरा डेली अप डाउन है कनॉट प्लेस से दिल्ली एयरपोर्ट। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है, चलाने में बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल राइड देती है। तो एक बार कोई भी गाड़ी लेने से पहले महिंद्रा की XUV300 ज़रूर राइड करके देखना, यू विल लव इट। मेरे आगे आगे थार चल रही है, अच्छा लगता है यार, मतलब मार्केट में अडेप्टेबिलिटी आ गई है महिंद्रा की गाड़ियों को लेकर, टाटा की, मतलब टाटा नेक्सन तो मुझे हर दूसरी दूसरी गाड़ी दिखने लगी जो पहले मारुति की दिखती थी। एंड बहुत ही, मतलब यार प्राउड होता है कि हमारी इंडिया बहुत अच्छा कर रही है, एंड हैट्स ऑफ टू महिंद्रा एंड टाटा जिन्होंने एक्चुअल में ऐसी टेक्नोलॉजीज और गाड़ियां हमें दी हैं। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर आप भी एक प्राउड ओनर हैं, प्राउड XUV ओनर हैं, प्राउड इंडियन एनी व्हीकल ओनर हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले जो उनके दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं कि हमें लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए इंडियन मेक गाड़ियाँ, उनको थोड़ी क्लैरिटी मिले। और यार ऐसे ही वर्ड ऑफ माउथ अगर हम लोग फैलाते रहेंगे तो इंडियन मार्केट थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाएगी, और हम सभी बेसिकली प्राउड इंडियंस हैं। तो जय हिंद, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।